मई को गुमानी नदी में आई बाढ़ से फरक्का के निशिंद्रा कटान का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसे लेकर आज फरक्का प्रखंड कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जंगीपुर एसडीओ नीता शुक्ला ने किया। मौके पर विधायक मनीरुल इस्लाम ने समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाए। बीते कई साल से निशिंद्रा गांव के लोग तथा झारखंड के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा झारखंड के पत्थर उद्योग का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में एनटीपीसी जीएम जियाउर रहमान, सभापति अंजू आरा खातून, एसडीपीओ वसीम खान, बीडीओ संजय विश्वास सहित अन्य मौजूद थे। आज बैठक हुआ है, इसमें हम लोग शामिल थे। आपका एसडीपीओ था, एसडीओ था, फरक्का का आईसी था, वीडियो साहब था और पीडब्ल्यूडी का आदमी था, सभापति मैडम था, हम थे, एनटीपीसी का जीएम था, बहुत सारे आदमी था। बातचीत हुआ है, पॉजिटिवली बातचीत हुआ है। उन लोग आश्वासन दिया है कि हम लोग हायर अथॉरिटी को बताएंगे, तो हम टाइम मांगा तो वो लोग टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हम अपना तरफ से उसको 2 महीना का टाइम देते हैं। 2 महीना में उसका काम अगर नहीं होता है तो हम लोग जो करना है फिर ब्रिज के लिए हम लोग करेंगे। ऐसी टेम्पररी सोच रहे हैं कि गाड़ी चले, लेकिन हम लोगों का आंदोलन चलेगा जब तक ब्रिज नहीं बनता है। हम लोग ऐसा भी मन बना लिया है कि अगर ये लोग इतना दिन से, इतना साल से हम लोगों को घुमा रहा है, इस बार बनेंगे, इस बार जैसा बातचीत हुआ है अगर नहीं मानता है ये लोग, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन में जाएंगे। उनका तो सोच क्या था हमको मालूम नहीं है। हम मन बना लिए हैं कि हमको काम करना है, हम काम के लिए आदमी चुना गया है यहाँ। और निशिंद्रा काटन बहुत पुराना चीज़ है, ये बहुत दिन से आदमी का यहाँ चाहत है कि निशिंद्रा काटन, बार बार हर साल कट जाता है। एरिया का जो आदमी है, माने यही इसका एक सपना है कि इस बार जो उम्मीद लेके हम लोग को वोट में जिताया, हमको निशिंद्रा कटन बन जाए और बड़ा बड़ा 2-4 काम है यहाँ पे वो बन जाए। और पिछला वाला एमएलए क्या किया है वो हमको तो मालूम ये नहीं, आप वो घर में सोके था क्या था तो मालूम नहीं था, लेकिन इस बार काम होगा क्या? वो भी चर्चा हुआ है, 1,25,00,000 रुपया जैसा फंड में जमा है, लेकिन हम लोगों का कहना है कि जितना अमाउंट यहाँ बनता है, 14-15 करोड़ रुपया लगेगा ब्रिज बनने के लिए, सिर्फ वो फंड एट अ टाइम उसको जमा करना पड़ेगा, तब जाके उसको टेंडर नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत आप काम करो, उसका बाद फिर पैसे देंगे। तो हम लोगों का कहना ऐसा नहीं है, पूरा फंड एक जगह में जमा हो जाएगा, उसका बाद काम चालू होगा।